उम्मीद तो की थी लेकिन इतने प्यार की उम्मीद नहीं की थी ऑनेस्टली। लोगों ने इतना भरपूर प्यार दिया है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब वो जो ट्रॉफी नहीं जीत पाया मैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारी ट्रॉफी जीत ली है मैंने अब, और कमी नहीं छोड़ी लोगों ने कोई भी प्यार देने में कि भाई वो गम मैं भूल जाऊँ। मैंने कशिश को इनवाइट जरूर किया क्योंकि मतलब बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, बहुत लोग उसको बैच कर रहे थे, इसी नॉट फीलिंग माइंड मेरे को थ्रू थ्रू पता लगा। मैंने इनवाइट किया है, आई डोंट नो शी विल कम और नॉट, बट मैंने अपनी साइड से इनवाइट किया। डेफिनेटली मैं अपने जो मेरे चाहने वाले उनको भी यही बोलता हूँ कि यार अगर तुम ऐसी चीज़ कर रहे हो ना तो फिर ऐसा मत बोलना कि भाई तुम किसी फैन हो या वैसा करते हो। इनफैक्ट मैं वॉइस नोट में डालता रहता हूँ ब्रॉडकास्ट में कि भाई ठीक है अपना तुम गुस्सा दिखा सकते हो जिस तरीके से तुम्हें दिखाने, जो चीज़ तुम्हें नहीं सही लग रही है, लेकिन किसी को इतना गंदा बोलना, गालियाँ वगैरह देनी, आई डोंट फील दैट इज़ राइट। आई थिंक दिग्विजय के कोई भी स्पेसिफिकली फैन पेज से तो ये चीज़ नहीं जा रही होगी, और ऐसी जा रही है तो डेफिनेटली आज इसने वॉइस नोट में बोला है, अपने और भी इंटरव्यूज़ में इसने बोला है, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। आई सपोर्ट कशिश इस मामले में कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई हेट ना है ऐसे ज़्यादा, बिकॉज ये जो आपने वर्ड्स यूज़ करे बहुत बड़ी चीज़ है, और किसी लड़की को ऐसे आ रहा है तो डेफिनेटली हम इसका और ध्यान रखेंगे और लोगों को बोलेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऑफ कोर्स मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल। नहीं डेफिनेटली मैं बता दे रहा हूँ, वॉइस नोट मैंने ब्रॉडकास्ट में डाला और वो स्टोरी में शेयर किया है, जो मेरे चाहने वाले वो डेफिनेटली मेरे को लगता है वो वॉइस नोट सुनते होंगे, एंड कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक लोग मान जाते हैं मैं जो बोलता हूँ। एंड अगेन अगर यहाँ पे इतने सारे लोग जो भी देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को या जिस भी चीज़ को, अगेन मैं अर्ज करना चाहूँगा गाइज शो हैज़ बिन डन, इट्स ओवर, जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है, लेट्स मूव ऑन, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, एंड उस इंसान को हेट देना भी बंद करते हैं, लेट हर लिव, एंड आप लोग भी जियो यार। रिलेशनशिप से तो जो फिनाले था उसके बाद काफ़ी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई थी, एंड फिर शो निकला जैसे जैसे थ्रू आउट हमने कंफर्म बात की हुई थी कि जो मेरे दिल में होगा मैं बोलूँगा सोशल मीडिया में, जो तेरे मन में वो बोलियो एक दूसरे के अगेंस्ट, बट जब उस महापुरुष ने इनको इन्वॉल्व कर लिया और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बातें बोल दी, देन आई वॉज लाइक नहीं भाई अब दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बहुत बिलो द बेल्ट चला गया। अगर शो से रिलेटेड कुछ उसके बारे में बोलता तब भी फाइन होती चीज़ें, बट नहीं हो पाई। अगेन मैंने जनता जूरी में सोचा था कि भाई चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, देन अगेन उसने वो अपनी थर्ड क्लास हरकत दिखाई, एंड आज मेरा बहुत मन था इनवाइट करने का, लेकिन अगर जनता जूरी में वो चीज़ नहीं हुई होती तो मैं डेफिनेटली उसे बुलाता, क्योंकि आज सब मैं चाहता हूँ खुश हो गए यहाँ से जाएँ, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई आता पाई ना हो, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। नहीं हर्षु शाली को मैंने इनवाइट भेजा, आई डोंट नो दे विल कम और नॉट, मैंने ट्राई किया था सबको ही ऑलमोस्ट इनवाइट भेजा है, बट एक इंसान जिसकी वजह से वायलेंस हो जाती है, मैं वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे जो लोग आए हैं इनको भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से उन्हें नहीं गया, बाकी सबको मैंने इनवाइट्स भेजे, पर्सनली कॉल्स भी किए कि ज़रूर आना, विल एंजॉय दिस मोमेंट। मैंने ये बोला है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डिजर्व नहीं करता या मेरे साथ नहीं होता तो मैं फॉर श्योर जीत जाता, यू नो वो तो चैलेंज पे डिपेंड करता है, बट मेरे को चैलेंज परफॉर्म करने का चांस नहीं दिया गया, बट आई वुड डेफिनेटली से कि आकृति हैज़ गिवन अ लॉट टू द शो, जसवंत वॉज अ ग्रेट परफॉर्मर थ्रू आउट द शो, एंड आई थिंक दे डिजर्व टू वेल डेफिनेटली। बताओ जी बताओ। डेफिनेटली अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो क्यों नहीं। अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं अब तक। क्या कहना चाहोगे, स्ट्रेटजी क्या रहेगी?
ये सारी खबरें मुझे आप लोगों से मिलती हैं या जो मेरे चंडीगढ़ में दोस्त बैठे हैं उनसे मिलती है कि भाई तू बिग बॉस में जा रहा है, बताया नहीं तूने, पार्टी दे, ये कर वो कर। मैं कहा भाई पहले मुझे पता लग जाए, मुझे कन्फर्मेशन हो जाए, फिर आगे बात करेंगे। नहीं, डेफिनेटली ग्रज वाली फीलिंग तो आज ही मैंने हटा दी, आज ही खत्म कर दी है। बल्कि मैं सोच मतलब उस टाइम मैंने सोचा फिनाले के टाइम में शायद कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी या कुछ बात भी नहीं हो पाएगी, बट तभी मैंने सोचा, आज स्टेप लिया। मैं बहुत सोच रहा था कि यार इनवाइट करूँ ना करूँ, पता नहीं क्या चीज़ है। देन आई वाज लाइक आई विल इनवाइट हर, रेस्ट इज अप टू हर। एंड कोई ग्रज वाली चीज़ अब नहीं रहेगी, शो हैज बीन डन, आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है लोगों का। तो आई गेस ये सब चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, मेरे को कोई इस भाई से ग्रज नहीं है। मतलब अभी भी उन्होंने फिनाले के बाद स्टोरी डाली मेरे लिए, आई सेड थैंक यू, एंड आज भी होपफुली इनवाइट गया है, वो आएंगे यहाँ पर। एंड बीच में काफ़ी टाइम कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, बट आई हैव ऑलवेज सेड दैट कि मैंने देखा है एज अ बिगर पर्सन उन्हें, एंड उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने कमिंग इन टू द रियलिटी शोज। थैंक यू रिलेशनशिप नहीं, दोस्त साथ में नहीं खड़े हो सकते ऐसे बताओ भाई, प्यार एक दोस्ती है, यही कहलाता है भाषा में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।